अब सोलर पैनल बाय बाय, चीन ने दुनिया को चकरा कर रख दिया है। ये शीशे की गेंद सुबह से लेकर शाम तक 10,000 वाट तक बिजली पैदा करती है। अब आपको सोलर पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक शीशे का गोला लगाएं अपने घर में और सारा दिन फ्री बिजली इस्तेमाल करें। अब इस शीशे की गेंद की कीमत क्या है, इसको लगाने का तरीका क्या है और ये काम कैसे करती है, आया कि ये शीशे की गेंद सच है या झूठ, इस वीडियो में कंप्लीट बताया गया। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, बहुत अरसे से ये शीशे की गेंद फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा छाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, उस्मान भाई ये जो शीशे की गेंद है ये वाकई में ही बिजली पैदा करती है 10,000 वाट के नियर अबाउट, क्या ये सोलर पैनल से सस्ती है या इसकी कीमत क्या है, ये काम कैसे करती है? आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा है, तो मैंने कहा भाई इसके बारे में एक वीडियो बना दूं कंप्लीट रिसर्च के बाद, ताकि आपको इसकी मुकम्मल सच्चाई और हकीकत बता सकूं कि ये जो शीशे की गेंद है आया कि ये बिजली पैदा करती है, इसका कोई और मकसद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। इसके अलावा यूनिक के 6th जनरेशन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, थंबनेल आपके सामने आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आ रहा होगा। काइंडली इस वीडियो को जाकर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। पहले दोस्तों, ये जो शीशे की गेंद है ये कोई सोलर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करती। चौंक गए होंगे आप, क्योंकि पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 वाट आप इससे पैदा कर सकते हैं और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कोई बिजली जनरेट नहीं करती। दरअसल ये जो शीशे की गेंद है ये सूरज की रोशनी को कैच करके आपके रूम्स में पहुंचाती है और बिल्कुल वैसी ही सूरज की रोशनी रूम में पहुंचाती है जैसे होती है सूरज की रोशनी। इस गेंद से सूरज की ओरिजिनल रोशनी को कमरों में रोशनी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अपने कमरों में रोशनदान वगैरह रख लेते हैं, वैसे ही ये इसका एक अल्टरनेट उन्होंने बनाया है ताकि वो सूरज की ओरिजिनल रोशनी को अपने रूम्स में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आपको पता है चाइना में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अंडरग्राउंड भी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो उसका तरीका ये है कि वो बड़े बड़े होल्स कर लें अपनी छतों के अंदर, तब जाके सूरज की रोशनी उनके रूम्स में पहुंचेगी। अब वो ऐसा तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने इसका मुतबादल बना दिया, एक शीशे की गेंद बना दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ कोन्स वगैरह रख के उसके ऊपर लेंजेस लगा दिए हैं और उनके एंड के ऊपर उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर लगाकर उसका जो एंड पॉइंट है वो अपने रूम्स में ले गए हैं। वहां पर इसी के मुताबिक लेंजेस लगाकर सूरज की रोशनी को कैच करके सुबह से लेकर शाम तक वो अपने रूम्स में इस्तेमाल करते हैं। इससे होगा ये कि वो सूरज की ओरिजिनल रोशनी को इस्तेमाल कर सकेंगे, जो ओरिजिनल रोशनी का इफेक्ट है उसे ही हासिल कर सकेंगे, जैसा कि पिक्चर्स में आपके सामने आ रहा है। फेसबुक के ऊपर जो वीडियो वायरल हो चुकी है उसमें गलत बताया जा रहा है कि इससे आप 10,000 वाट तक बिजली जनरेट कर सकते हैं। सोलर पैनल को बाय बाय कह दें, सोलर पैनल को खुदा हाफिज़ कह दें, चाइना ने दुनिया को चकरा के रख दिया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ लाइट को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, ना कि बिजली को जनरेट करना। क्योंकि पिक्चर्स में आप वाजे देख सकते हैं कि इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगी हुई हैं और एंड पॉइंट के ऊपर आप इसके लाइट वाले बल्ब भी देख सकते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर के एंड पॉइंट पर लगे हुए हैं। ये शीशे की गेंद सूरज से रोशनी लेती है और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो रोशनी है वो आपके रूम तक पहुंचा देती है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप जानते हैं कि ये रोशनी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत तेजी से पहुंचाती है। आप अपने इंटरनेट को भी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इसके साथ भी ऑप्टिकल फाइबर लगी हुई है जो कि सूरज की रोशनी को बहुत आसानी के साथ आपके रूम तक पहुंचा देती है और रूम्स में आप भी आप सूरज की रोशनी से फायदा उठा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहते हैं सूरज के जरिए, तो आप सोलर पैनल्स को ही इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए सिर्फ आप सोलर से रोशनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हासिल कर सकते हैं और इसका दूसरा कोई काम नहीं है। आने वाली वीडियोस में एक तो ज़ूनिक के न्यू मॉडल के इन्वर्टर्स आए हुए हैं Z5 और Z6, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आप कितने सोलर पैनल लगाएं
तब आपको बिजली के बिल में बचत आने वाली है। इसके बारे में डिटेल के साथ वीडियोस आने वाली हैं, इसीलिए अगर आप चैनल के ऊपर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।